रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लोगों ने निकाली ऐसी तरकीब, सफलता हाथ लगने से पहले सब धरा का धरा रह गया न्यू दिल्ली। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों ने सीमा पार जाने के लिए कुछ ऐसी तरकीब निकाली है जो वाकई बेहद चौंकाने वाला है। हम आपको बॉर्डर पार करने से रिलेटेड एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इराक के लोग आईएसआईएस और अमरीकी हमलों से काफी परेशान हैं। इसके लिए यहां से कई लोग पहले ही तुर्क जाकर बस चुके हैं। इराक से तुर्क जाने के लिए कुछ लोग खुद को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर एक कंटेनर में जाकर चुपचाप बैठ गए। दरअसल ये लोग जिन कंटेनर्स में बैठे थे उसमें ऊपर की ओर प्लास्टिक रखी हुई थी। जवानों ने जब कंटेनर्स के वजन को चेक किया तो उन्हें वे काफी भारी लगा। अब प्लास्टिक रखे हुए कंटेनर का वजन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब उन्होंने जांच किया तो सच्चाई सामने आ गई। सुरक्षा कर्मियों ने इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब इनसे पूछताछ की। वाकई में बॉर्डर क्रॉस करने का यह तरीका काफी नायाब था जिसका इस्तेमाल शायद ही पहले किसी ने किया हो।